है कि आज का जो टॉपिक है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अगर हमें खुद में इम्प्रूवमेंट करना है, जैसे छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं, अभी आपने देखा बस रिजल्ट शेयर करते वक्त कुछ तो प्रॉब्लम आया, लेकिन यहाँ पे मैंने ये सीखा कि नहीं, मुझे वो इम्प्रूवमेंट करना है। अगर मैंने कुछ मिस किया है तो फिर से मैंने उसे बैंक जाके मेरा रिजल्ट यहाँ पे आप सभी को दिखाया। पहले ऐसा नहीं होता था, जब इस फैमिली में नई थी ना तो बहुत डरती थी, बिल्कुल भी नहीं लगता था कि मैं ये कुछ कर पाऊंगी। जब सारे सेशन में यहाँ पे सुनती थी तो मुझे लगता था कि ठीक है, ये सब लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं क्योंकि इनका एजुकेशन बहुत अच्छा होगा, ऐसे मुझे हमेशा से लगता था कि इनके एजुकेशन की वजह से ये इस फैमिली में है और अच्छे से बात कर रहे हैं। लेकिन जब इस फैमिली में मैं आई और आने के बाद धीरे धीरे जब हमारे टॉपिक होते हैं तो जो धीरे धीरे मैं सब कुछ सुनती थी और सुनने के बाद मुझे ऐसे लगा कि मैं भी इस तरह से इस फैमिली में आने के बाद एक हिस्सा बन सकती हूँ। और जो मेरा अमेजिंग रिजल्ट है, वो रिजल्ट आने के बाद तो बहुत बढ़िया जादू हो जाता है इस फैमिली में, जैसे कि बहुत सारे नए फैमिली मेंबर्स होंगे यहाँ पे, तो उनके लिए भी मैं बताती हूँ कि जैसे ही नए हम इस फैमिली में आते हैं तो हमें लगता है कि बस हमें इस फैमिली में आने के बाद हमारा वेट लॉस करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो रिजल्ट मिलते हैं, और डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि जो भी रिजल्ट मुझे इस फैमिली से मिला है ये मेरा खुद का पर्सनल रिजल्ट है, क्योंकि हर एक का रिजल्ट यहाँ पे वैरी करता है, अलग अलग होता है। और जो रिजल्ट मुझे इस फैमिली ने दिया है वो मेरा खुद का पर्सनल रिजल्ट है। जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इसके बारे में अगर बताना चाहते हो तो हमें लगता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट ये एक बहुत बड़ा होगा क्योंकि इसके लिए हमें बहुत कुछ करना होगा, लेकिन ऐसे नहीं जी है। खुद को बेहतर बनाना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना यानी हमें खुद को बेहतर बनाना है। तो हमें खुद को बेहतर हम किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि अभी आप जैसे आपको बताया कि इस फैमिली में जब मैं नई थी तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन आने के बाद जैसे धीरे धीरे इस फैमिली में मैंने सीखना स्टार्ट किया तो मैंने खुद को ये यहाँ पे बताया कि मुझे यहाँ पे बेहतर बनना है, मुझे अच्छा बनना है, क्योंकि मैं अकेली ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लेडीज होगी जिनको लगता है, बहुत सारी हाउसवाइफ होंगी, क्योंकि हाउसवाइफ है ना घर के बाहर कभी नहीं जाते, जैसे मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बाहर अगर हमें कभी जाते हैं तो हमारे पास वो जी कॉन्फिडेंस नहीं रहता, वो बात करने का ढंग हमें जी पता नहीं रहता कि हम सामने वाले से कैसे बात करेंगे, क्योंकि मन ही मन हम वो हमें डर सा अलग सा डर लगता है। तो ये कॉन्फिडेंस हमें यहाँ पे दिखाता है हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि ये हमें खुद करना है, जी जब तक हम खुद हमें चेंज नहीं करेंगे तब तक ये चेंज हमें जी नहीं होगा। तो खुद में जो बदलाव यहाँ पे हम लाते हैं उसे हम यहाँ पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट कहते हैं। तो इसकी कोई एज नहीं होती, ऐसे नहीं है कि इसे हम स्टूडेंट रहते हैं तभी हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या बड़े होंगे तभी, तो हम किसी भी एज में है ना खुद में ये चेंजेस हम कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें हर चीज यहाँ पे इम्प्रूव करनी है यानी हमें खुद को अगर बेहतर बनाना है तो हमारा आज अगर हमें यहाँ पे हमने सीखा, आज को अगर हमने यहाँ पे सीखा तो आने वाला हमारा जो कल होगा वो हम यहाँ पे बहुत बढ़िया सा और बहुत बेहतर बना सकते हैं। ये हम यहाँ पे हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि आज हम जो यहाँ पे सीखेंगे वही हम हमारे लाइफ में हमारा जो आने वाला कल है उसे हम बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। अभी जैसे हम सभी को पता है कि जो नए फैमिली मेंबर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जिनको 1 महीना हुआ है या 10-15 दिन ही हुए इस फैमिली में आके, सो एक किसी से मैं बात करना चाहती हूँ, तो प्लीज आप अगर हैंड रेज करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर किसी को इस फैमिली में आकर है ना 8, 10, 15 दिन हुए हैं जो नए हैं तो उन्होंने हैंड रेज करना है। सुनीता शिंपी मैम, बहुत बढ़िया से। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग. अभी सुनीता मैम, आप इस फैमिली में आपका वेट लॉस करने के लिए आए हैं। हाँ, आपको कितने दिन हुए मैम इस फैमिली में आके? 1 वीक, 1 वीक 1 वीक हुआ हुआ है. है। कैसे लग रहा है मैम आपको इस फैमिली में? अच्छा लग रहा है. सुबह अच्छा लग सुबह रहा है। एक्सरसाइज करके अच्छा होता है. आप जब इस फैमिली में आने वाले थे मैम उससे आज आपको क्या चेंज लग रहा है 8 दिन में आप में? कुछ नहीं, फ्रेश लगता है बहुत सुबह.
ओके okay, आपको जब आए थे तब ऐसे लगता था कि ये फैमिली में क्या बताएंगे, क्या सिखाएंगे, और आने के बाद कुछ अलग सा और ज्यादा मिला आपको? हाँ, वो जिन्होंने मुझे बताया उन्होंने बहुत कुछ बताया था, उनके रिजल्ट से ही मैं आई हूँ, यहाँ ज्वाइन हुई हूँ, वंदना बाविस कर करके, महात्मा यस, वेरी गुड मैम, गांधी। बहुत अच्छा। वंदना मैम का रिजल्ट देख के आप इस फैमिली में आए, हाँ लेकिन इस फैमिली में आने के बाद है ना, हम इस फैमिली का एक हिस्सा हो जाते हैं, है ना? या यस yes. अभी आपको लगता है मैम कि इस फैमिली में आने के बाद आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से होगा? लगता है और होना भी चाहिए, होगा। यस, थैंक यू सो मच सुनीता मैम। यही कॉन्फिडेंस है, यही इनका सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, ये मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ। थैंक यू राजेंद्र जायसवाल मैम, आपको भी आपने हैंड रेस किया है, लेकिन हमारा टाइम के हिसाब से मैं किसी एक से ही बात करना चाहती थी। तो आप देख सकते हैं सुनीता मैम ने, उनको बस 8 ही दिन हुए इस फैमिली में आके, लेकिन 8 दिन में इस फैमिली में आने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है, उनको लगता है कि मेरा वेट लॉस होगा ही होगा ही, तो ये बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस है। और यही कॉन्फिडेंस है ना, हमें हमारे गोल तक लेके जाता है। यही मैं इस फैमिली यही मैं आज बताना चाहती हूँ। जैसे हमें प्लान योर लाइफ, जैसे हमें हमारे जो लाइफ में प्लान करना है कि हमें क्या करना है, किस तरह से हमें इस फैमिली में आने के बाद सक्सेस होना है। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे अभी मैम ने बताया ना कि इस फैमिली में आने के बाद है ना, उनको जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है, तो मैम ने कहा कि ये मेरा होगा ही, यानी ये जो विनर है, जिसे हम बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस हमारे पास होना चाहिए कि अगर हम इस फैमिली में आते हैं, चाय ब्रेकफास्ट लेते हैं, किसी का रिजल्ट देख के आते हैं, तो आपके कोच को कोच से भी जब आप आते हैं तो उसे भी आप पूछ सकते हैं कि आप इस फैमिली में कितने दिन से हैं और आप में क्या-क्या चेंजेस हुए हैं। तो वही कोच का रिजल्ट देख कर ही हम इस फैमिली में आते हैं। और बहुत बढ़िया से सुनीता मैम ने जैसे कहा कि ये होगा ही, तो ये विनर, जैसे हमें खुद को यहाँ पे जीतना है, ये हमें यहाँ पे खुद को स्टार्टिंग में ही बताना है कि मैं ये कर सकती हूँ। जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे हम कहते हैं, अगर हम में कॉन्फिडेंस होगा तभी हम कर पाएंगे। अगर मैं बोलती सुनीता मैम को यस मैम आप कर पाएंगे, आप करके देखिए, तो ये ऐसे नहीं होगा। जब तक उन्हें सेल्फ खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये मैं कर सकती हूँ, तब उसके बाद वो बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से ये कर सकते हैं। तो प्लान योर लाइफ, तो हमें क्या करना है हमारे लाइफ में, हमें क्या प्लान करना है, ये भी हम आज जानेंगे। जैसे कि हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है, दिन भर में हमारे पास मिनिमम 16 घंटे हमारे पास रहते हैं, 24 घंटों में से 16 घंटे हमारे पास रहते हैं। तो उस 16 घंटों में हम क्या क्या करते हैं? अगर हमें हमारा गोल यहाँ पे अचीव करना है, अगर हमें यहाँ पे खुद को एक कॉन्फिडेंस देना है और खुद को जीतना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं दिन भर में, ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो जो 8 घंटे, अगर हम हाउसवाइफ है तो हमारे पास 8 घंटे मिनिमम तो रहते हैं, 16 घंटों में से 8 घंटे सपोज हमने घर के कामों में या बच्चों के कामों में लगाए, फिर भी 8 घंटे हमारे पास रहते हैं। तो हमें यहाँ पे खुद के लिए जो टाइम बचा है उस पे ये फोकस करना चाहिए कि मेरा जो गोल है, मुझे जो चाहिए, तो ये मैं किस तरह से इस दिन में पा सकती हूँ, यानी हमारी जो दिनचर्या है, जो टाइम टेबल हमें यहाँ पे बनाना है, वो हमें यहाँ पे खुद का बनाना है। क्योंकि और जो जॉब पर्सन है, उन्हें मोस्टली जॉब को अगर जाते हैं तो 8-10 घंटा उनका जॉब पे जाता है, लेकिन बचे हुए जो 4 घंटे रहते हैं घर पे आने के बाद, कहेंगे हम उसे, जो 4 घंटे रहते हैं, तो वो 4 घंटों में वो खुद के लिए क्या प्लान करते हैं, वो यहाँ पे उन्हें देखना चाहिए। क्योंकि सभी को लगता है कि सबके सपने बहुत बड़े बड़े रहते हैं, मेरे भी सपने बहुत बड़े हैं, मुझे भी लगता है कि मुझे बहुत बड़ा बनना है, मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन उसके लिए मैं कुछ अलग सा टाइम दे रही हूँ क्या नहीं, ये यहाँ पे मुझे देखना चाहिए। और ये मैं इस फैमिली में आने के बाद, जैसे अभी जो आज का टॉपिक है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, तो खुद में मैं ये इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास कर रही हूँ। क्योंकि हमें पता है कि आदमी एक दिन में नहीं सीखता, धीरे धीरे उसके पास वो खजीना आ जाता है, उसके पास वो नॉलेज आ जाता है जहां से वो सीखता है। तो इसी तरह हम सभी यहाँ पे धीरे धीरे ये सब कुछ सीखने वाले हैं। हम हमारे आजू बाजू के जो लोग हैं, उनको देखते हैं कि अरे 3 साल के पहले तो ये कुछ अलग था,
और आप ये बहुत अलग दिख रहा है, तो ऐसे क्या किया इस आदमी ने कि उसमें बहुत सारे चेंजेस इसमें हुए, उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हुई है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, तो हमारे जो महागुरु है इस फैमिली के सचिन सर, उनका ही लेते हैं। क्योंकि जब उनका जो हम उनका आज जो देख रहे हैं ना, ये उनका कल था। क्योंकि जब 3 साल पहले हमने जब उनको देखा था, जो आज में वो जी रहे थे 3 साल पहले, तब तो उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लिए थे खुद के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद में चेंजेस लाने के लिए। तो और वही चेंजेस धीरे धीरे करके आज हम जो देख रहे हैं कि उनके पास बहुत सारा हैप्पीनेस है, बहुत कुछ उन्होंने अचीव किया है। तो ये कैसे उन्होंने अचीव किया है? क्योंकि उन्होंने उनके कल में जो था ना, वहां पे उन्होंने वो एफर्ट्स लगाए थे, वहां पे उन्होंने खुद को इम्प्रूव करने के लिए वो सब कुछ किया था। जैसे हम टाइम मैनेजमेंट में करते, जैसे मैंने बताया कि अगर हमारे पास 4 घंटे हैं, तो उस 4 घंटों में है ना, हमें खुद को ये प्रूव करना है, खुद को ये बताना है कि मैं यहाँ पे अलग क्या कर सकती हूँ, जहाँ पे मैं मेरी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। तो ये सब कुछ यहाँ पे जैसे सचिन सर ने किया था, हम बहुत सारे लोग हैं जो आजू बाजू में जो बहुत अच्छा सा बिजनेस में है, या खुद को जिन्होंने एक अच्छा सा अचीवमेंट किया है, तो ये हम वहां पे देख सकते कि वो व्यक्ति वहां पे, जैसे हम टाइम हमारा जो एक्स्ट्रा हम वेस्ट करते हैं, तो वो उन्होंने कभी वेस्ट नहीं किया था, उस टाइम का उन्होंने सदुपयोग किया था। क्योंकि हमेशा से ऐसे होता है, पहले क्या होता था ना, इस फैमिली में आने से पहले मेरे पास बहुत टाइम था, क्योंकि हाउसवाइफ हूँ ना, बच्चे चले जाते थे, हस्बैंड चले जाते थे, फिर जो टाइम बचता था ना, उसमें मैं टीवी देखती थी, सीरियल देखती थी, फ्रेंड के साथ कट्टे पे बैठ के गप्पा मारते थे, या किसी ने कहा चलो आज मार्केट जाना है, मुझे कुछ खरीदना है, तो उसके साथ चली जाती थी, क्योंकि मेरे पास है ना टाइम बहुत था। लेकिन मुझे तब ये पता नहीं था कि इस टाइम का मुझे क्या सदुपयोग करना चाहिए। देखिए, अगर मुझे लगता है मैं इस फैमिली में नहीं होती, तो आज एक अलग सी नई मनीषा इस फैमिली में आपको नहीं मिलती। क्योंकि ये मैंने खुद किया है, इस फैमिली ने मुझे सिखाया है, तभी ये मुझसे हो पाया है। क्योंकि टाइम बहुत था, उसे कैसे मैनेज करना है, कैसे उसे वेस्ट करती थी, ये बिल्कुल भी मुझे वहां पता नहीं था। लेकिन अभी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से सीखी हूँ, क्योंकि मुझे खुद में इम्प्रूवमेंट वो करना है। इसी तरह मेरे साथ यहाँ पे जो भी नए फैमिली मेंबर्स है, जो फर्स्ट टाइम इस फैमिली में आए हैं, जिनको 1 मंथ 2 मंथ हो चुका है, तो उन्हें भी लगता होगा कि मुझे भी मेरा जो गोल है, मेरा जो रिजल्ट है, किसी का वेट लॉस होगा, वेट गेन होगा, या वेट मेंटेन रखना होगा, तो आपका जो भी गोल है ना, वो आपको यहाँ पे मेंटेन रखना है, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए ना आपको थोड़े से एफर्ट्स लगाने होंगे। उस अगर हमें हमारे गोल तक पहुंचना है ना, तो उसके लिए हमें खुद को वो टाइम देना होगा, वो काम करना होगा जहां तक हम जा सकते हैं। क्योंकि हमें ये खुद करना होगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यानी हम अगर खुद करेंगे तो ही हम हमारा रिजल्ट यहाँ पे ला सकेंगे। जैसे आपने देखा 21 डे वेट लॉस मैराथन में जब मैं आई थी, मुझे बस एक ही दिखता था कि मुझे एक वाव रिजल्ट यहाँ पे लाना है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता था, बस मेरा रिजल्ट यहाँ से पे सबसे बेस्ट होना चाहिए, यही मेरा गोल था। और वो गोल मैंने बहुत अच्छी तरह से इस फैमिली में अचीव भी किया है। तो इस तरह अगर हमारा गोल हम हमारे सामने रखेंगे, तो उसे बहुत अच्छे से हम यहाँ पे अचीव कर सकेंगे। और उसके साथ साथ जैसे टाइम मैनेजमेंट भी मैंने बताया कि पहले क्या होता था, जो हमारा एक्स्ट्रा टाइम था वो हम वेस्ट करते थे, लेकिन अभी क्या होता है, मॉर्निंग के अभी छुट्टियां लगेंगी, देखो समर की छुट्टी लगेंगी ना, तो हम 8-10 बजे सोते थे पहले फैमिली में आने से पहले, क्योंकि कुछ काम नहीं था ना, बच्चों की स्कूल नहीं है, तो सोते थे। लेकिन अभी वैसे नहीं होता है, अभी इस फैमिली में हम 4:30 बजे ही जग जाते हैं, 5 बजे से हम खुद को कैसे इम्प्रूव करना है, खुद में क्या चेंजेस करने हैं, ये सीखने के लिए रेडी रहते हैं। क्योंकि 5 बजे हमारा एक अमेजिंग कॉल रहता है, मैजिकल मॉर्निंग, तो वो भी हम अटेंड करते हैं, उससे हमें बहुत सारा नॉलेज यहाँ पे मिलता है। इसी तरह और एक बात, जैसे हम जो टाइम वेस्ट जो करते थे ना, तो इधर उधर की बातों में या निगेटिव बातों में हम वो हमारा टाइम वेस्ट करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। ये टाइम है ना, मैं खुद के लिए, खुद को और कैसे मैं अच्छा कर सकती हूँ, खुद को कैसे ग्रो कर सकती हूँ ना, इसके लिए मैं ये टाइम मेरा निकाल रही हूँ। और हमें बहुत बार ऐसे होता है कि हम दूसरों की बराबरी करते हैं, यानी मेरी अगर मेरी फ्रेंड है,
तो वो कितनी अच्छी है, उसके पास तो बहुत सारा कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ये हमें यहाँ पे हमारे ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे क्या होगा हमारा जो इससे क्या होगा हमारा जो ध्यान है ना वो हट जाएगा, और उससे हम खुद को इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे जो हमें करना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे टाइम में हमने बताया कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि पॉसिबल पॉसिबल, हम जो भी यहाँ पे बताया कि टाइम अगर आपके पास होगा तो आपको सब कुछ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें खुद के लिए ये टाइम निकालना है, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि हम जो भी करेंगे वो हम खुद के लिए सेल्फ को एक टाइम देंगे खुद को, और ये सब करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें अपग्रेड योर सेल्फ, हमें खुद को अपग्रेड करना होगा। इस फैमिली में आने के बाद हमें सिखाया गया है कि हमें खुद को अपग्रेड कैसे करना है। बहुत सारे हम बुक्स पढ़ सकते हैं, अगर किसी को बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो आप कुछ वीडियो है मोटिवेशनल वो देख सकते हैं, या हमारे मॉर्निंग के जो टॉपिक होते हैं यहाँ पे भी हमें बहुत बढ़िया सा नॉलेज दिया जाता है, वो हम सुन के खुद को है ना अपग्रेड कर सकते हैं। क्योंकि हमें खुद में सेल्फ इम्प्रूवमेंट अगर करना है तो ये सब कुछ हमें करना होगा। यस, बिलीव, खुद पे बिलीव करिए। अगर हमें अगर लगता है कि मुझे क्या करना है, मैं खुद कर सकती हूँ, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे खुद पे बिलीव करना है। लोग मुझे बताएंगे कि यस अगर आपको वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, 1 महीना या 3 महीना 90 डेज करेंगे, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी। तो उसके बाद हमें ये ध्यान में रखना है कि आदमी है ना यहाँ पे रोज कुछ ना कुछ सीखता है, और हम बोलते हैं ना कि मरोस्तर हमें शिकायत है। तो इसी तरह हम इस फैमिली में आने के बाद बस 90 डेज ही नहीं, लेकिन हमें जितना सीख सकते हैं, हम जितना हमारे ब्रेन में दे सकते हैं उतना हमें यहाँ पे देना है, उतना हमें यहाँ पे सीखना है। उसके साथ साथ है ना खुद पे यहाँ पे लव करना चाहिए, सेल्फ लव जिसे हम कहते हैं, कि खुद पे हमें प्यार करना चाहिए। जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे ना तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जैसे अगर लोगों ने किसी ने कुछ कह भी दिया तो हमें वो यहाँ पे सुनना नहीं है, खुद के लिए टाइम निकालना है। बहुत बार ऐसे होता है कि हाउसवाइफ है या जो जॉब को जाते हैं लेडीज, उनके पास भी टाइम नहीं होता, जेंट्स है उनको भी, उनके पास भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। क्योंकि हम मॉर्निंग कॉल में हम देखते हैं कि जो लेडीज जॉब को जा रही है ना, तो वो भी बेचारे किचन में पूरा दिन खाना बना, मॉर्निंग में खाना बनाते हैं, और उसके बाद उन्हें जो टाइम मिलता है उसमें वो अपने बच्चों को संभाल के सब कुछ करके जॉब को जा रहे हैं। तो इस ये सब कुछ करके भी है ना हमें खुद के लिए एक टाइम निकालना है जहाँ पे हमें सेल्फ लव करना है। उसके साथ साथ होप्स, होप्स हमें यहाँ पे बिल्कुल छोड़ने नहीं है, क्योंकि होप्स ही है जो हमें आगे लेके जाएंगे। अभी यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, हमारी फैमिली में है ना वैजयंती मैम है, आप सभी को पता है। यस, वैजयंती मैम को क्या रिजल्ट आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि क्या होता है ना जब हम इस फैमिली में नए आते हैं ना, अगर किसी का रिजल्ट हम देखते हैं तो बोलते हैं कि ये कैसे हो गया मैम, इसका तो 1 महीने में 4 किलो वेट कम हुआ, लेकिन मेरा तो इस महीने में 1 ही किलो कम हुआ, तो ये क्यों हुआ, ये किस तरह से हुआ। तो ये हमें जब पूछते हैं तब हमें ये पता चलना चाहिए कि हमें जो होप्स है, क्योंकि हर एक की बॉडी यहाँ पे अलग अलग है, हर एक का लाइफस्टाइल अलग अलग है, तो उसके हिसाब से आपका जो वेट लॉस हुआ है एक पॉजिटिविटी यहाँ पे रखनी है कि अगर मेरा 1 किलो भी वेट लॉस हुआ ना तो एटलीस्ट इस मंथ में मेरा हुआ, तो इसके पहले आपका कभी हुआ था। यस, अगर इस अगर यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि सुनंदा मैम बोल रहे हैं कि मनीषा मैम आपका 1 महीने में 7 किलो वेट लॉस हुआ 21 डे में, और मेरा 1 ही किलो हुआ, तो ये कैसे हुआ। तो मैम इसके पहले हमने कभी ये किया था क्या। अगर हम खुद को ना ये पॉजिटिविटी देंगे कि इसके पहले मेरा 1 भी किलो वेट कम नहीं हुआ था, लेकिन आज मेरा 1 किलो तो वेट कम हुआ, तो इससे क्या होगा हमारा आने वाला जो कल है, यानी हमारा आने वाला जो रिजल्ट है ना वो हम और भी बेस्ट कर सकेंगे। जैसे वैजयती मैम का जो एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, आप उनका रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि इस फैमिली में जब वैजयती मैम आए थे ना तो उनका बिल्कुल भी यहाँ पे वेट कम नहीं हो रहा था। जैसे वो हमेशा बताते थे 2 महीने हो गए कि उनका सर आप रिजल्ट शेयर कर सकते हैं वैजयती मैम का,
तो वो बोल रहे थे कि मेरा यहाँ पे वेट कम ही नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने ना उनके होप्स नहीं छोड़े, क्योंकि इस फैमिली में ना उन्होंने उनको है ना बहुत कुछ मिला। इस फैमिली में आने के बाद उन्हें बस रिजल्ट ही नहीं मिला लेकिन उनका हैप्पीनेस मिला, उनको उनको बहुत सारी यस आप उनका रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं। ये वैजयंती मैम है, इनका एज में मोर देन 60+ है लेकिन फिर भी इन्होंने 6 मंथ में उनका 31 kg हेल्दी फैट लॉस किया है, आप देख सकते हैं उनका ये रिजल्ट है तो बहुत बढ़िया सा। लेकिन 2 महीने में इनका काटा भी नहीं हिलाता, इनको बिल्कुल भी नहीं लगता, हमेशा बोलते थे एक ही बात कि मेरा वेट ही कम नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने होप्स नहीं छोड़े। क्यों? क्योंकि उन्हें उनका टारगेट अचीव करना था, उन्हें उनके टारगेट पे जाना था, इसलिए उन्होंने उनके होप्स नहीं छोड़े और यही मैजिक हुआ है उनका, बहुत अच्छा सा यहाँ पे हेल्दी फैट लॉस हुआ है, वेट लॉस हुआ है। थैंक यू सो मच आशा मैम, कुलदीप सर। यस, तो ये बढ़िया सा रिजल्ट है हमारे फैमिली में, क्योंकि ये रिजल्ट इसी से मिला है, क्योंकि उन्होंने उनके होप्स यहाँ पे नहीं छोड़े हैं। पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी हमें हमेशा रखनी है जब तक, क्योंकि हम अगर पॉजिटिव नहीं रहेंगे ना तो हम हमारी आगे की जो जर्नी है, हमारा आगे का जो लाइफ है वो हम बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे नहीं कर सकते। यस, ये हम देखते हैं बिलीफ, बिलीफ हमें पता है कि ये हमें चाहिए, उसके साथ साथ यस बिलीफ चाहिए, और बिलीफ के साथ साथ है ना जैसे हम यहाँ पे बोले कि पॉजिटिविटी, तो पॉजिटिविटी जो हमें यहाँ पे है ना, तो जितनी हम खिलौना देखते हैं, हम जितनी चाबी हम उसमें भरेंगे ना उतना वो खिलौना और तेजी से चलेगा, तो यही पॉजिटिविटी है जो हमें लेनी है। जितनी हम पॉजिटिविटी लेंगे ना उतना हम हमारे माइंड को और ज्यादा अपग्रेड करेंगे और बहुत कुछ यहाँ पे सीखेंगे, क्योंकि सीखना ही लाइफ है। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब तक है तब तक आदमी सीखता ही रहता है और सीखने से उसे मिलता है, कम नहीं होता है। तो जितना ज्यादा हम यहाँ पे सीखेंगे उतना हमें यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा और ये मिलता भी है। यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्टेप है जो खुद की लकीरों से यहाँ पे खींची गई है, ये खुद ने खींची है। क्यों? क्योंकि हमें वो इम्प्रूवमेंट हमें करना है ना। यस, अगर किसी को किसी का गोल अचीव करना है या मुझे एक बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट, वाव रिजल्ट यहाँ पे क्रिएट करना है ना, तो मुझे ये करना होगा, मुझे जो सीढ़ी जहाँ पे मुझे आगे जाना है तो वो जो, अगर मुझे अच्छा बेस्ट रिजल्ट लाना है ना तो वो सीढ़ी मुझे यहाँ पे ना खुद बनानी होगी। अगर जब हम ये सीढ़ी खुद बनाएंगे तभी हम हमारा जो गोल है वहां तक हम बहुत बढ़िया से पहुंच पाएंगे। यस, डेली में हम जो बताते हैं कि हमें दिन भर में क्या करना है, मॉर्निंग में उठने के बाद है ना हमें हमारे यहाँ पे जो गोल सेट करना है, जो लिखना है कि दिन भर का जो टाइम मैनेजमेंट हमें किस तरह से करना है, तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि वर्कआउट करना है, उसके बाद टॉपिक होने के बाद बाकी के टाइम में मैं क्या कर सकती हूँ, खाना खाने के बाद मुझे कौन सा काम करना है, ये सभी चीजें है ना हमें यहाँ पे नोट डाउन करने हैं, क्योंकि नोट डाउन करने के बाद है ना हमें पता चलता है कि अरे यस ये मेरा काम हो गया। ये बहुत बार दिवाली में कर देते हम, दिवाली में है ना बहुत बड़ी सी लिस्ट रहती थी, बहुत सारे काम रहते थे, तो एक एक काम हम कंप्लीट करते थे और वहां पे टिक करते थे कि ये काम मेरा हो गया। तो इसी तरह हमें दिन भर का हमारा शेड्यूल यहाँ पे बनाना है जो कि हमें यहाँ पे हमारे गोल तक हमें ले जा सकता है। यस, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन, अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं ना तो प्रोग्रेस, हम जब भी बच्चे हैं ना हमारे स्कूल जाते हैं और अगर बच्चों को थोड़े से कम मार्क्स मिले तो हम हमेशा उसे बोलते हैं क्यों तू 90 मार्क्स ले सकता था, 95 मार्क्स ले सकता था, तो तुमने वो क्यों नहीं अचीव किए, क्यों नहीं लिए, लेकिन हमने यहाँ पे ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे परफेक्शन उससे अच्छा है हम उनकी प्रोग्रेस देखें कि उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है। पहले अगर वो 80 मार्क्स लेता है तो अभी उसने 85 लिए हैं, ये हमें यहाँ पे देखना है, लेकिन ये हम यहाँ पे
देखते नहीं है और हम हमेशा हमारे परफेक्शन पे ध्यान देते हैं। जैसे अभी इस फैमिली में मैंने जो छोटा सा एग्जांपल आपको दिया कि अगर किसी का कम वेट लॉस हो गया, किसी का ज्यादा वेट लॉस हुआ, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस फैमिली में आने से पहले ना मेरा तो कुछ भी नहीं होता था, मेरा तो वेट लॉस ही नहीं होता था, लेकिन मैं खुद को ब्लेस्ड मानती हूँ कि इस फैमिली में आने के बाद है ना मेरा वेट लॉस होने लगा, यानी मेरी जो प्रोग्रेस है ना वो अच्छे से हो रही है। और 2 साल मुझे हो चुके हैं इस फैमिली में आके, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस में और खुद में क्या कर रही हूँ, तो ये भी हमें देखना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि उसका छोटी छोटी चीजें हम ना ये करते हैं कि इसका घर इतना बड़ा हो गया, ये तो अब भी आए थे और मेरा क्यों नहीं हुआ, इसकी पिन बहुत बड़ी है मेरी क्यों नहीं है, इसका इसके पास बहुत अच्छे से साड़ी है या कार है मेरे पास क्यों नहीं है। तो हमें यहाँ पे खुद को देखना है कि हमने खुद में क्या प्रोग्रेस किया है, पहले से आज के इसमें हम कितने खुद को आगे लेके गए हैं, ये हमें यहाँ पे खुद को देखना है। इसीलिए हमें परफेक्शन से ज्यादा हमारे प्रोग्रेस पे ध्यान देना है। जो भी रिजल्ट हमें आता है वो और बेस्ट कैसे ला सकते हैं, और बेस्ट उसे कैसे कर सकते हैं। हाँ, अगर मेरा वेट लॉस हुआ तो मुझे स्किन का रिजल्ट बेस्ट करना है, वो मैं कैसे कर सकती हूँ, ये मुझे ध्यान देना। इस तरह हम हमारी प्रोग्रेस पे हम अलग अलग तरीके से ध्यान दे सकते हैं। अभी इस फैमिली में ना जो फैमिली मेंबर्स हैं जिन्हों जिनको 1 साल हो चुका है इस फैमिली में, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि उन्होंने रेजाइन करना है। जिनको इस फैमिली में 8 महीने या 1 साल हुआ है, किसी एक से मैं 2 मिनट बात करना चाहती हूँ। स्मिता मैम से मैं बात करना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग स्मिता मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, आप इस फैमिली में जब आए थे तो आने से पहले आपकी जर्नी, यानी आप में जो कॉन्फिडेंस कैसे था, और आज आप में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है तो वो किस तरह से, आप थोड़ा सा बताइए। सर। मैम, मैं बैकग्राउंड टीचर हूँ और प्राइवेट स्कूल में मैं जॉब करती हूँ। तो मेरे पास वक्त बहुत कम रहता था बाहर जाने के लिए, सिर्फ स्कूल और घर, इतना ही मेरा पूरा वर्ल्ड था। तो स्कूल में तो क्या, मैं मराठी पढ़ाती थी और जो मेरे काम थे उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। मगर जो अलग सा है, मेरा अभी दो स्कूल है हमारे यहाँ, सीबीएसई स्कूल है और सेमी इंग्लिश स्कूल है। मैं सेमी इंग्लिश में वर्क करती हूँ। तो सीबीएसई में हमारे केरल से या हैदराबाद से, इधर से उधर से, सब बाहर स्टेट से लोग आते हैं। उनके साथ हिंदी में बात करना चाहिए और इंग्लिश में बात करना चाहिए होता था, मगर मैं बात नहीं कर पाती थी उनके साथ। और वो मिले तो सिर्फ ऐसे मुस्कुरा के उनको सिर्फ गुड मॉर्निंग इतना ही बोलती थी। तो अभी मेरा इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है कि उनके साथ जाके मैं कॉन्फिडेंटली बात भी कर सकती हूँ और हिंदी में बहुत बढ़िया बात कर रही हूँ और इंग्लिश वर्ड भी मुझे समझ में आ रहा है। कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है मैम। और बाहर भी कभी मैं जाती थी ना, हस्बैंड मेरे साथ थे, उनको ही बोलती थी पहले आप बोलो पहले आप बोलो। मगर अभी मैं खुद होके ही बात कर रही हूँ, इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है और स्किल्स भी डेवलप हो रहे हैं मैम। जूम के ऊपर मैंने क्लासेस लिए थे स्कूल के, मगर वहां पे मैं होस्ट रहती थी, बच्चों का कुछ इंटरफेयर नहीं रहता था और मैं जो बोलूंगी वही बच्चे बोलते थे। मगर अभी कॉल कॉल के ऊपर भी मैं कभी आती हूँ तो बिल्कुल डरती नहीं हूँ। किसी ने भी मुझे कुछ भी सवाल पूछे तो मैं आंसर देने के लिए तैयार रही हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंस मुझ में बिल्ड हुआ है। थैंक यू सो मच स्मिता मैम। देखिए, आप देख सकते हैं कि स्मिता मैम टीचर है ऑलरेडी, वही जॉब पर से, लेकिन फिर भी उनके पास ये कॉन्फिडेंस नहीं था जो उन्हें इस फैमिली में आने के बाद मिला है। तो यही सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो इस फैमिली में हम जो रिजल्ट सुनते हैं, जो भी कुछ यहाँ पे हमें नॉलेज मिलता है, उससे हमारा बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है। तो थैंक यू सो मच स्मिता मैम, जो आपने यहाँ पे आपका रिजल्ट बताया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा है प्रोग्रेस, और उसके बाद है ना ये फोटो आप अच्छी तरह से देखिए, ये तस्वीर जहाँ पे दो आपको फोटो दिख रहे हैं, जिसमें एक पत्थर है और एक मूर्ति है। ये दोनों भी पत्थर थे, लेकिन इस मूर्ति को बनाने के लिए है ना उसे यहाँ पे तराशा गया है, उसे यहाँ पे घिसा गया है। यही पत्थर है, लेकिन इस पत्थर को यहाँ पे तराशा गया है, घिसा गया है, और उसके बाद है ना ये मूर्ति बनी है। एक अब देखिए, जब तक हम हमें अच्छा तो रिजल्ट चाहिए, लेकिन उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम खुद पे काम कर रहे हैं, हम खुद पे वर्क कर रहे हैं। हमें अच्छा बनना तो है, हमें बहुत खुद में इम्प्रूवमेंट करना है। जैसे बच्चों को स्टडी में इम्प्रूवमेंट करना है, अगर हमें हमें नॉलेज में इम्प्रूवमेंट करना है, किसी को उसके पर्सनल
किसी को उसके प्रोफेशन में इम्प्रूव करना है, लेकिन उसके लिए किसी को उसके पर्सनैलिटी में इम्प्रूव करना है, लेकिन उसके लिए हम क्या कर रहे हैं ये हमें यहाँ पे देखना है। जब तक हम घसेंगे नहीं तब तक हमारी वैल्यू हम खुद क्रिएट नहीं कर सकेंगे। मुझे मेरी वैल्यू यहाँ पे अगर अच्छी क्रिएट करनी है, मुझे अगर मेरे गोल तक पहुंचना है ना, तो मुझे ये करना होगा। यही वो पत्थर है, लेकिन ये जो मूर्ति जब उसकी बनी है, इसे जब घिसा गया है ना, तो इसका स्थान कुछ अलग है। इसका स्थान कहाँ है? मंदिर में है। और पत्थर का आज भी पत्थर का स्थान कहाँ है? उसी जगह पे है, लेकिन उसे घिसने के बाद है ना, उसका अलग सा रूप हमें यहाँ पे मिलता है। तो ये वैल्यू हम खुद को हमारी यहाँ पे बढ़ानी है, क्योंकि ये वैल्यू हमारी कब बढ़ेगी पता है आप सभी को? क्योंकि मैं भी ना इसी पत्थर की तरह थी, सेम इसी पत्थर की तरह थी इस फैमिली में जब आई थी तब। लेकिन यहाँ आने के बाद है ना, मॉर्निंग में हमें वर्कआउट मिलता है। जैसे देखो देखो, स्टार्टिंग में जब हम आते हैं ना, तो पहले दिन हमें सब बोलते हैं कि वर्कआउट कम कीजिए, क्योंकि आपके बॉडी को उसकी आदत नहीं रहती है, बॉडी पेन होगा। तो उसी तरह क्या होता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है उसे हमने वो वैसे के वैसे पत्थर की तरह था, उसे हमने कुछ आकार नहीं दिया था। लेकिन अगर उसे आकार देना स्टार्ट करते हैं ना, तो बढ़िया सा हमारा मॉर्निंग का वर्कआउट का कॉल है। अगर हमें खुद को यहाँ पे इम्प्रूव करना है ना, तो हमें ये वर्कआउट का कॉल करना होगा, जो बढ़िया से यहाँ पे सभी हैंड रेज करके करते हैं। हमारे यहाँ पे वेलनेस टॉपिक, जैसे आज का टॉपिक है, परसों हमारा जो टॉपिक हुआ, बहुत बढ़िया से विनय मैम ने जो टॉपिक लिया था कि ये चाय नाश्ता भी हमें लेना है, लेकिन ये चाय नाश्ता हमारे बजट कैसा है, ये भी बहुत अच्छी तरह से इन्होंने बताया। क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ना स्टेफिटेनिक्स फैमिली में आपको मिलेगा। इस फैमिली में ना, क्योंकि हम बोलते हैं ये चाय ब्रेकफास्ट तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन इस फैमिली में का जो जादू है ना, वो आपको बिल्कुल भी नहीं कहीं मिलेगा। फ्यूल मैजिक, जैसे कल का बहुत बेस्ट हमारा फ्यूल मैजिक हुआ। दिन ब दिन हम है ना कुछ ना कुछ यहाँ से ले रहे हैं, और ये लेने से है ना हमें बहुत बढ़िया सा इम्प्रूवमेंट यहाँ पे हो रहा है, जिससे हम यहाँ पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते। क्योंकि जो चाय ब्रेकफास्ट मैं लेती थी ना पहले, जब अगर मैं मेडिसिन लेती हूँ, कुछ भी खाती थी, तो मुझे पता नहीं था कि ये दाल कहाँ से आई है, कौन सी खेती से ये दाल आई है, कुछ भी नहीं पता था। और फिर भी हम उसे बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिविटी के साथ खाते थे। लेकिन यहाँ आने के बाद है ना, ये जो हम चाय लेते हैं, जो हम हमारा ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो इस फ्यूल मैजिक की जो जादू है यहाँ पे, ये भी सिखाया जाता है, ये भी बताया जाता है कि चाय आपको कहाँ से मिल रहा है, ये चाय किसने यहाँ पे बनाया है, किस तरह से ये आपके बॉडी में जाने से आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे। ये बहुत सारी चीजें है ना छोटी छोटी इस फैमिली में हमें सिखाई जाती है। यस, तो इसी तरह हमें अगर खुद को इम्प्रूवमेंट करना है ना,